आप देखिए हम गोरखपुर में हैं इस वक्त। यहाँ पर नामांकन पत्र लोग अपना दाखिल कर रहे हैं प्रत्याशी लोग, जिसमें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको श्रवण कुमार निराला, जो अम्बेडकर जन मोर्चा के माध्यम से अपना नामांकन पत्र दाखिल करने गए हैं। काफ़ी महिलाएं इस कड़ी धूप में भी पहुंची हुई हैं, उनके समर्थन में यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिए इतनी चिलचिलाती धूप है कि हम क्या बताएं, और फिर भी ये लोग आए हुए हैं उनके समर्थन में श्रवण कुमार निराला के। ये आप देखिए सबके हाथों में एक झंडा है जिसमें लिखा हुआ श्रवण कुमार निराला अम्बेडकर जन मोर्चा। यहाँ आप देखिए ये आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं। ये आप देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर अम्बेडकर जन मोर्चा के तत्वाधान में यहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली भी निकाली गई है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर महिला लोगों की संख्या है। ये महिला लोग हैं जो लगातार अपने संघर्ष में श्रवण कुमार निराला का साथ देते हैं रही हैं। ये आप देख सकते हैं इस वक्त ये सभी के हाथों में अम्बेडकर जन मोर्चा का झंडा है। और ये हम आपको दिखा सकते हैं इस वक्त मिला लिया। साथियों नमस्कार, इस वक्त हम गोरखपुर में हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज श्रवण कुमार निराला अम्बेडकर जन मोर्चा के बैनर तले आज यहाँ पर नामांकन दाखिल करने पहुँचे हैं श्रवण कुमार निराला, जो बहुजन मूवमेंट को गोरखपुर में बहुत तेज़ी से लगातार चला रहे हैं। और इनका ये संगठन 2019 से लगातार चल रहा है। इनके समर्थन में काफ़ी संख्या में यहाँ महिलाएं दिखाई पड़ रही हैं। हम कुछ जानकारी करते हैं और सबके हाथ में नीला झंडा है जिसमें लिखा हुआ अम्बेडकर जन मोर्चा, बाबा साहब की एक फ़ोटो लगी हुई है और श्रवण कुमार निराला भी लिखा गया है और उनका भी फ़ोटो लगा हुआ है। हम कुछ जानकारी करते हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी संख्या में लगातार भीड़ बनी हुई है। ये सभी के हाथों में नीला झंडा है, जय भीम का भी झंडा है। आप लोग कहाँ से हैं, क्या आप लोग? संजय, आप लोग हाथी का वोट छोड़ के इनके समर्थन में आए हुए हैं? आए हैं, अच्छा है। हाँ उदाहरण है, ये लोग जीतते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। निराला जी के हिसाब से हम लोग से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम साथ दे रहे हैं। यानी आपकी लड़ाई जमीनी लड़ाई श्रवण कुमार निराला लगातार लड़ रहे हैं, तो इसलिए आप लोग साथ हैं। क्या बहुजन समाज पार्टी के लोग नहीं लड़ रहे हैं या और कोई सामाजिक संगठन हो या कोई राजनीतिक संगठन? सुनवाई नहीं हो रहा है, इसका कोई नहीं आ रहा है। क्या आपकी बार ये चुनाव जीत जाएंगे? जीत जाएंगे, हम साथ में लगे हैं उनको जिताने के लिए, एक एक करके हम लोग जीते हैं। तो आज कितनी भीड़ होगी? अरे हजारों की जनता में भीड़ लगी है। 1000 का संख्या से भीड़ है वो नहीं होगा ना, कम से कम जब लाखों की समर्थन श्रवण कुमार निराला जी के। उनकी क्या खासियत है कुछ बताएं? वो हम लोग गरीबन के लिए हर एक जमीन का मांग कर रहे हैं, गरीबन तो हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, जब वो जो हक दिला रहे हैं उन्हीं का हम लोग साथ दे रहे हैं। हाँ, बहुजन मूवमेंट में बहुजन समाज पार्टी के मायावती हैं आप लोग, उनको छोड़ के इनको क्यों समर्थन? मायावती हैं तो मायावती तो कभी आज लिए गरीबन के लिए हक के मांगे नहीं, आवाज ही नहीं उठाई। आज उन्हीं के दिन है जो आप इस तरह, आज उन्हीं के दिन है, बाकी गरीब के लिए कहाँ आवाज उठाई हो? आज गरीब इतने आवाज उठाई होती तो गरीब का बच्चा क्यों मांगे स्कूल में नहीं पढ़ पाते? क्यों जाकर सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं लोग जी? तो तमाम सरकारी स्कूलें खोली हैं गरीबों के लिए ही, तो गरीबों के वही ना शिक्षा होकर पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं लोग, तो लाचार हैं लोग, नौकरी कहाँ मिल रही है गरीबों की? कहाँ नौकरी दिला रही है? क्या क्या चीज मांग कर रही है? इनमें क्या खासियत है बता? इनमें खासियत है जो भत्ता रोजगारी के लिए मांग कर रहे हैं कि
220 रुपया रोज आई हैं तो हमको 1000 रोज का होना चाहिए। हाँ जो पढ़ लिख कर शिक्षा है जो घर में बैठे हैं तो कहना बेरोजगारी भत्ता 1000 मांग उनका किया 30000 रुपया महीने का। हाँ एक एकड़ जमीन का मांग किया हम लोग का गरीब लड़कन के लिए भविष्य बनाने के लिए। आपकी बार इनको सांसद बना के भेज दें। हाँ इनका आपकी बार इनको सांसद हम लोग बना के भेज देंगे। एक जात से नहीं जीतेंगे ना, और जात का भी वोट चाहिए। अरे तो हम लोग बहुत जात है, बताइए 1000 का संख्या है, आप देख रहे हैं बताइए 1000 जनसंख्या जोड़ेंगे तो कितने जनसंख्या हो जाएंगे। जात के हैं और भी जात के सबर जात के आए हैं, सभी जात के हैं। आप मैडम आप भी माला वाला पहनी है, क्या नाम है? हमारा नाम धर्मा देवी है, बासगांव क्षेत्र का रहने वाली कुमार। निराला में क्या ऐसा खासियत है जो आप बहुजन समाज पार्टी के सब लोग मूवमेंट वाले हो और उनको छोड़ के इनको वोट देना चाह रही हैं, ऐसा इनमें क्या खासियत है? ये भी बहुजन समाज पार्टी में ही थे जी सर? सर बहुजन समाज पार्टी में ही थे, मगर बहुजन समाज पार्टी के जो बहन जी है उनके आँख में पट्टी पड़ी हुई है, सही का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि अपना भाई कौन सा है। हम लोग यही खासियत है कि जमीन से निकला हुआ नेता है, वो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है, हमारे दुख सुख में शामिल हो रहा है। और आज के जो नेता है जब चुनाव आता है तभी दिखते हैं, उसके बाद वो हमारा अंगूठा कटवा लेते हैं और लेके अपने घर में रस्सी में बैठ जाते हैं। मगर आज श्रवण कुमार निराला जी कोई नेता नहीं है, कोई चुनाव नहीं जीते हुए हैं, फिर भी हमारे दुख में सुख में हर समय रात हो दिन हो चलते हैं। दो दो बार सरकार आपके सामने उनको जेल में डाला, किस लिए? हमारी जनता के लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे शिक्षा के लिए, हमारी गरीबी दूर करने के लिए। तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे तो किसके साथ रहें? जो चोर बेईमान बसे हुए उनके साथ। आज जो कहते हैं कि बासगांव विधानसभा है अच्छे करके काम अच्छा वाला हुआ है, हम लोग के घर तक जाने के लिए सड़क नहीं है, हम लोग का घर का पानी नहीं निकल रहा है, हमको रहने के लिए छत नहीं है, हम लोग को पैर धरने के लिए जमीन नहीं है। तो आज जो श्रवण कुमार निराला है तो आज हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, हर गरीबों के एक इधर जमीन दिलाने के लिए संकल्प लिए हैं, हम उन्हीं के साथ रहे। इसी का उनका खासियत है कि हम लोग सारे कदम से कदम मिलाकर जन उनको संसद तक पहुँचाने के लिए हम लोग प्रण लिए। में बहुत धन लगेगा, बहुत पैसा लगेगा, बहुत बड़ा चुनाव है ये और कई विधानसभा मिला करके एक लोकसभा बनाया जाता चंदा है इकट्ठा करके तो हम लोग कैसे उनके पास इतने धन भी नहीं है सर? बहुत बात आप अच्छी बात आपने कहा है कि बहुत पैसा लगेगा सर, पैसे से पैसा खरीदा जा सकता, लोग खरीदे जा सकते हैं, मगर हम लोग चंदा से इस श्रवण निराला को हम लोग जिताएंगे। चंदा एक एक रुपया करके हम लोग चंदा इकट्ठा करके इस लोकसभा तक पहुँचाएंगे। पैसा माने क्या होता है, इतना बड़ा जनता है, हम लोग गरीब एक एक रुपया देंगे ना, कई करोड़ रुपया होगा सर। इस भूल जाइए क्योंकि पैसा में खरीद रहे हैं तो पैसे से खरीद करके उनको संसद तक पहुंचा सकते हैं, वो लोग पैसा से खरीदे, हम लोग जनता एक एक रुपया से हम पहुंचा सकते हैं। देखिए ये लोग श्रवण कुमार निराला को अपने धन बल के सहयोग से इनको सांसद बनाने के लिए प्रयासरत है। अब देखना है यहाँ पर एक जून को मतदान होगा, किसे पक्ष में मतदान होता है ये 1 जून को पता चलेगा, जब मतदान होगा मतदान के बाद मतगणना में पता चलेगा। और यहाँ की जनता लेकिन देखने से मालूम पड़ता है ये जो गरीब महिलाएं हैं और वो भी बहुजन मूवमेंट के सब सारी महिलाएं हैं जो लगातार श्रवण कुमार निराला उनके लिए दिन रात एक करके उनकी मांगों को जो हक अधिकार की मांग है मांग को लेकर के जायज़ मांगे लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, इसलिए ये सब महिलाएं उनके साथ में हैं। और बहुत अच्छी बात आपने कहा है, धन्यवाद।